पेट की आंत में मल फंस जाने से होने वाले लक्षण, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि काफी लोगों को पेट साफ नहीं होता, शौच साफ नहीं होता, वो कभी कभी पानी बहुत कम पीते हैं, फाइबर अनाज में बहुत कम खाते हैं, खाना भी वैसे कम खाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और उसके वजह से पेट में जो मल तैयार होता है वो ज़्यादा कड़क हो जाता है, और जितना वो बाहर निकलना चाहिए स्मूथली वो बाहर निकलता नहीं, तो उसमें वो जो पेट की आंत जो है उसमें से वो आगे आगे, मतलब आगे आगे ढकेलना जो होता है उसका मोशंस में, वो ढकेलना होता नहीं, वो ऐसी रुकावट आती और वहीं वो फंस जाता है। अब इसमें होता क्या है कि उसमें फिर भूख नहीं लगना, पेट फूल जाना, एसिडिटी होना, ढकार आना, फिर खाना खाने की कोई इच्छा नहीं होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, और लेट्रिन होती नहीं है, शौच होता नहीं है, मल बाहर फेंकने की इच्छा होती है मगर कितना भी है तो भी मल बाहर फेंक सकते नहीं, मल त्याग की इच्छा होने के बाद में भी नहीं जा सकता, और फिर बहुत जोर लगाते तभी भी नहीं होता। अब ये एक बार हुआ तो ठीक है, उसका इलाज कर सकें। इलाज क्या है? उसका इलाज है कि जैसे मोटिलिटी, मतलब आंत जो है उसकी मूवमेंट होना चाहिए और नीचे मैल जाना चाहिए, तो वो मोटिलिटी कम है तो मोटिलिटी बढ़ाने के लिए दवाई देना। यदि कोई दवाई चालू है जिसके वजह से जो मूवमेंट है वो कम हो गई आंत की, तो वो दवाई बंद करना। काम पड़ा तो फिर लेटरिन साफ करने की गोली देना, काम पड़ा तो एनेमा देना। यदि आंत यदि मुड़ गया अंदर से, मतलब इंटेस्टाइन जो है वो मुड़ गया अंदर से, ट्विस्ट हो गया, तो फिर ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि फिर वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, उसका जो मुड़ना है अंदर, मरोड़ना है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा यदि मुड़ गया हो आंत तो उसका फिर ऑपरेशन करना जरूरी है। तो कभी भी पेट फूला हुआ इंसान जो हमारे पास में आता है और बोलता है कि पेट फूला हुआ है, या जो पेशेंट हमारे पास में है जो दवाई ले रहे हैं और जो बोलते हैं कि नहीं अभी पेट फूला हुआ है या पेट में ठीक नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, हम बोलते पहले मैल तुम्हारा गया है कि नहीं गया, और मल यदि साफ हुआ है और कम से कम गैस पास हो रही है तो फिर चिंता करने की बात नहीं रहती। तो हरदम ये देखना चाहिए कि मैल कुछ ना कुछ तो बाहर जाना ही चाहिए, एक दिन में, 2 दिन में, जो भी कुछ है गैस पास होना चाहिए, और नहीं तो फिर पेट में आंत का प्रॉब्लम हो सकता है। हम सिर्फ IBS है ना, इंटेस्टिनल के कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर उसको हम IBS करके नहीं बोल सकते, क्योंकि IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और उसको बस लेबल कर देना और दवाई देना ऐसा नहीं है। तो लेटरिन साफ होना जरूरी है, शौच साफ होना है, गैसेस पास करना है, और वो यदि करते हैं और फिर तकलीफ होती रहती है तो फिर IBS की ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए हैं वहाँ कॉन्टैक्ट करो। मेरा ऐप है मनोविकास नाम का, डॉक्टर केळकर मनोविकास, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ भी आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।